बुद्धिमान दादी, एक क्लास वन चैप्टर वन। एक मेमन था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। कौन सी कहानी? बुद्धिमान दादी, जिसमें एक मेमन था, आप जो है छोटा सा बच्चा लैम का, वो अपनी दादी से मिलने जा रहा है। ठीक है, कौन सा रास्ता? जंगल के रास्ते से जा रहा है। अब जंगल के रास्ते से उसे एक भेड़िया मिला। अब उस रास्ते पे जब वो निकल गया तो जंगल में उसे कौन मिला? भेड़िया मिला। मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, भेड़िया किसको बोलता है? उस लैम को कहता है। ठीक है, कि मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। तो कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। ये ऐसा छोटा सा लैम उसे कहता है समझाने की, कि मैं जब आऊँगा तब मुझे खा लेना, अभी मुझे नानी से दादी माँ से मिल लो। तो अच्छा, तुम जा सकते हो। तो ये बात सुनकर, लैम की बात सुनकर, भेड़िया ने बोला ठीक है, जाओ जाओ मिलो। जब वो लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। अब वो छोटा सा बच्चा थोड़ा घबरा तो गया था, पर अपनी नानी माँ को सब बता दिया, कि दादी माँ को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है, वो भेड़िया ने मुझे खाने को कहा है। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। ठीक है, वो उपाय क्या था? चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। अब दादी तो एक्सपीरियंस होल्डर थी, तो उसने क्या करा, बचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता था ये, ढोलक लिया, उसको फोड़ा उसके मुंह को और उसको बोला कि तुम जाओ अंदर, इसमें बैठ जाओ। ठीक है, तो लेम ने क्या करा, दादी माँ की बात मान ली। जब दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर रुका दिया, अब उस ढोलक को क्या करा, रुका दिया, तो ढोलक क्या हुआ, उस जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगा। ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगा तो मेमन ने भेड़िया को अपना इंतजार करते हुए पाया। उस छोटे बच्चे ने देखा कि मेमन, ये भेड़िया उसी रास्ते पे उनका इंतजार कर रहा है उसको खाने के लिए। क्या मैं तुमने किसी मेमन को इस तरफ से आते हुए देखा है? और भेड़िया, कि जिस रास्ते से जा रहा था ढोलक, तो उसी रास्ते से बच्चा तो दिखाई नहीं दिया पर ढोलक दिखाई दिया। तो उसने भेड़िया ने ढोलक से पूछा, क्या तुमने छोटे से बच्चे को देखा मेमन के? तो वहां से अंदर से आवाज, नहीं। भेड़िया का शक हो गया और वो ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। बट अब थोड़ा भेड़िया भी थोड़ा चालाक था, तो उसे शक हो गया। तो उसने क्या करा, वो सोचता कि चलो इस ढोलक के पीछे पे भागता हूँ। तो भागा, वो भागा तो उसने क्या देखा, कि मेमन उस ढोलक में से निकल गया है और अपने घर के अंदर भाग गया है। इसमें पहले की भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमन अपने घर के अंदर पहुँच गया और उसने दादी माँ की धन्यवाद दिया, तो घर के अंदर घुस गया। मतलब इससे क्या हुआ, उस भेड़िया उस बच्चे ने अपनी जान बचा ली और मेमन भेड़िया कुछ नहीं करता रहा। इसका मतलब तो इस चीज़ का, जो छोटे बच्चे ने अपनी ग्रैंड मदर का धन्यवाद दिया।